दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। और वो जो इन्फॉर्मेशन है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है, जितने भी सेलर्स होते हैं उनको एडवाइजरी एक तरह की जारी की गई है, यानी कि एक नोटिफिकेशन जो होता है सभी को, जो इंडियन गवर्नमेंट एक मैसेज के थ्रू जो है, सभी जितने भी, मैं भी एक सेलर हूँ तो मेरे भी अपने जो ऑर्डर होते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और बाकी के दूसरे जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसके थ्रू जाते हैं। और इसके साथ ही मेरा अपना जो खुद का स्टोर भी है तो उसमें मेरे डोमेस्टिक ऑर्डर भी आते हैं और इसके साथ ही कुछ इंटरनेशनल ऑर्डर जो होते हैं वो भी मैं डिस्पैच करता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट का ये मैसेज है और मैसेज के अंदर आप यहाँ देखेंगे तो मैसेज में साफ लिखा हुआ है कि कोरियर और पार्सल में नशे का सामान मिला। अगर कोई इस तरह से नाम के अगर कोई धोखाधड़ी करता है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है कि अगर आप कोई भी अगर ऑनलाइन सेलर है और आपके पार्सल जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कोरियर पार्सल में जो है अगर कोई भी नशे का सामान मिलता है तो कोई भी फ्रॉड करने वाला या साइबर क्राइम जिसको करना होता है तो वो आपके जो नंबर होते हैं उस नंबर पर नॉर्मली बात है डाटा कहीं से भी उनको मिल जाता है और मिलने के बाद में खुद को पुलिस ऑफिसर बताते हैं और बना देने के बाद ही आपको जो KYC से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे अगर मांगते हैं तो इसकी डिटेल्स आपसे मांगते हैं और आपसे फिर वो कुछ पैसे चार्ज करने के लिए भी बोलते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा आपको इसमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की कोई भी फ्रॉड कॉल आपके पास आती है तो इसकी कंप्लेन आप करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे दो पोर्टल दिए हैं, sanchar-saathi.gov.in एक तो ये वेबसाइट है और इसी के अलावा एक उन्होंने एक नंबर भी प्रोवाइड किया है 1903। आप जो है 1903 पे भी अपनी जो है टेलीफोनिक कॉल पे भी इसको कंप्लेन रेज कर सकते हैं। इसके साथ ही एक वेबसाइट और है cybercrime.gov.in पर अपनी रिपोर्ट आप कर सकते हैं। ये भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, यानी कि जितने भी सेलर्स होते हैं, मेरे पास ये मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया, तो क्योंकि इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं ये एक तरह की नॉर्मल सी बात है कि जब आपके अगर इस तरह की कोई जैसे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट होता है अगर उसी के तहत जो भी साइबर क्राइम अगर करना चाहता है, फ्रॉड करना चाहता है तो इस तरह के कोई भी आपका जो है आपके जो पार्सल्स होते हैं उसका नाम लेके कह दीजिए, आपके पार्सल्स के अंदर कोई भी जो है इस तरह की इल्लीगल जो एक्टिविटी होती है उसके कह के आपको कॉल करता है। कॉल करने के साथ अगर KYC से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके साथ मांगता है तो उसके साथ आप अपनी KYC से रिलेटेड कोई भी डिटेल उनको शेयर ना करें, अपनी बैंक की डिटेल भी आप शेयर ना करें और इवन आपकी उनको जो है सीधा ये टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके उनकी कंप्लेन करें। और इसके साथ ही जो sanchar-saathi.gov वेबसाइट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले है cybercrime.gov.in, यानी कि ये जो साइबर क्राइम होता है इसमें भी आप जाएंगे और जाके अपनी जो कंप्लेंट होती है आप इसमें रजिस्टर्ड करेंगे। तो यहाँ पे होता है रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट और इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो अलग अलग टाइप की उसमें होती है, फाइनेंशियल आपकी फ्रॉड होता है या अदर जो साइबर क्राइम होता है वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के साथ ही और अपनी जो कंप्लेंट का जो प्रोसेस होता है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा। तो अभी आपको केवल यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि cybercrime.gov.in पे आपको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करनी है और इसके अलावा एक इन्होंने साइट और दी है sanchar-saathi.gov.in। ये दोनों ही वेबसाइट जो होती है इन पे आप अपनी कंप्लेंट को इरेज करेंगे और इस तरह के कोई भी कॉल आपके पास आती है तो दो वेबसाइट होती है, इनके साथ ही इन्होंने यहाँ पर अपना एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 1930, तो इस पर भी आप अपनी कॉल इरेज करें। इरेज करने के साथ ही अपनी जो है जो भी आपके पास जो नंबर जिस नंबर से कॉल आती है वो नंबर की सारी डिटेल्स, ऐसे कॉल को आप अवॉइड ना करें और जितना जल्दी हो सके उतनी इमीडिएटली आप इन पे अपनी कंप्लेंट इरेज करें ताकि इस तरह से जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं तो उनसे आप बच सके। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी कि जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए तो वो मैंने शेयर कर दी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।